हाय डियर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रच मेकअप। सो आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हाउ टू यूज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर। ये मेरे चैनल में फिर से एक यू नो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर आप सबके साथ शेयर करूँ जो गुड क्वालिटी का भी हो, प्रोडक्ट भी ज़्यादा सोक ना करे और ईजिली अवेलेबल हो और बहुत सस्ता भी हो। ठीक है, सो दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड मैक और ये मुझे यू नो लोकल मार्केट से मैंने इसे परचेज़ किया था जस्ट ₹50। बहुत ही अच्छा है एंड आई टोटली लव द क्वालिटी। आप देख सकते हो, सबसे पहले इसे मैंने पैकेजिंग में आपको दिखाया है, फिर इसके बाद जब ये डैम्प हो जाएगा ये पैकेजिंग में फिट नहीं होगा। ब्यूटी ब्लेंडर को आपने सबसे पहले करना है पानी में सोक, कुछ इस तरीके से बाउल में पानी लेना है, उसे डुबोना है। इसे आपने ब्यूटी बोलने में गड़बड़, ब्यूटी ब्लेंडर को अपने पानी में करना है सोक। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको पिंच करोगे ताकि इसमें से पानी निकले और फिर इसमें फिलअप हो जाए, ताकि इसमें पानी निकले और फिर से फिलअप हो जाए। इससे क्या होगा कि इसका जो यू नो साइज़ है वो डबल होता जाएगा, जितना इसने डबल होना ये डबल हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये पानी अपने अंदर सोक कर रहा है, यू कैन सी काफ़ी हैवी हो चुका है। और मैं इसे फिर से इसमें से पानी निकाल रही हूँ और फिर से मैं इसे ब्यूटी बाउल में यू नो डिप कर दूँगी ताकि इसमें जो यू नो इसका जो साइज़ है वो डबल हो जाए। यू कैन सी देयर, मैं इसे फिर से डिप कर रही हूँ। हम ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ क्यों करते हैं, फॉर द फ्लॉलेस बेस एंड फिनिश। जितना आपका ब्यूटी ब्लेंडर कम ड्राई होगा उतना ही कम प्रोडक्ट वो एब्जॉर्ब करेगा। मेक श्योर कि आप ब्यूटी ब्लेंडर में से पानी अच्छे से निकाल लीजिए, वो भी मैं आपको आगे चल के वीडियो में दिखाऊंगी, बताऊंगी कि मैं ब्यूटी ब्लेंडर को कैसे यूज़ करती हूँ। कुछ इस तरीके से आपको पानी को निकालना है। आप कोई और ब्यूटी ब्लेंडर में इन्वेस्ट ना करिए जो काफ़ी हाई एंड होते हैं आजकल, बट यू कैन गो फॉर दिस। अब आप देख सकते हो कि इसका जो साइज़ है वो डबल भी हो चुका है और कितना ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्क्विशी लग रहा है। अब आपको क्या करना है, अब ब्यूटी ब्लेंडर में जितना भी पानी है उसे निकालना है अपने हाथ से। ज़्यादा ओवर आप जोर नहीं लगाओगे इसके ऊपर क्योंकि ये डैम्प हो सकता है, ख़राब हो सकता है। अब आप देख सकते हो इसका साइज़ यू नो डबल हो चुका है और ये अब बॉक्स में फिट भी नहीं हो रहा। दैट्स व्हाई आई रिकमेंड दिस प्रोडक्ट बिकॉज दिस इज़ ओरिजिनल। क्योंकि ₹50 में आप एक अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद आपको क्या करना है, टॉवल लेना है, आप कोई भी टॉवल ले सकते हो और अपने ब्यूटी ब्लेंडर को इसमें स्क्वीज़ करना, मतलब इसमें से सारा पानी जितना भी है एक्स्ट्रा वो निकालना है, इसे सुखाना है। आप ड्रायर नहीं यूज़ करोगे, आप हवा का यूज़ नहीं करोगे, धूप में भी नहीं रखना इसे, सिर्फ और सिर्फ इसमें से हमने पानी निकालना है। ये डबल तो रहेगा ही अपने साइज़ में, ठीक है, मगर हमको इसमें पानी नहीं चाहिए बिल्कुल भी नहीं हमें पानी नहीं चाहिए। बिकॉज जितना इसमें पानी होगा ये उतना प्रोडक्ट ऑब्जर्व करेगा, जितना कम इसमें पानी होगा उतना ही कम ये प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, ये एक ब्यूटी ब्लेंडर की यू नो खासियत होती है कि जितना ये कम गीला होगा उतना ही ज़्यादा वो अच्छा फ्लॉलेस बेस देगा, हाई कवरेज बेस देगा, रादर देन यू नो एक ज़्यादा गीले ब्यूटी ब्लेंडर से। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने अपने हाथ के साथ अपने फेस पे फाउंडेशन लगाई है, फिर मैंने यूज़ किया था ये ब्यूटी ब्लेंडर जिसके साथ मुझे सेम कवरेज ही, जैसे आप मेरी राइट या लेफ्ट साइड पे देख रहे हो वैसी कवरेज मुझे मेरी दूसरी साइड पे भी मिली जैसे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया। इसका मतलब यही है, ये ब्यूटी ब्लेंडर बिल्कुल भी प्रोडक्ट को ऑब्जर्व नहीं करता, बस एक स्टेन रह जाता है आपके यू नो ब्यूटी ब्लेंडर पर बिकॉज दिस इज़ वाइट इन कलर। सो आपको क्या करना है, हमेशा यही याद रखना है कि अगर आप कुछ यूज़ करते हो ब्यूटी ब्लेंडर तो वो एक अच्छा गुड क्वालिटी का भी हो और आप उसे जब खरीदते हो उसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि वो ओरिजिनल है, वो डबल इन साइज़ में होता है। अगर वो नहीं इन साइज़ डबल होता तो आप उसे रिटर्न कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे इस ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ कर रही हूँ, जैसे हम ब्रश के साथ ब्लेंड करते हैं फाउंडेशन, आपने उस तरीके से इसे अपने फेस पर रगड़ना नहीं है, ठीक है, आपको इसे टैप टैप करना है, टैप टैप करके, ठीक है। आप देख सकते हैं मैं इसे टैप कर रही हूँ अपने फेस पे, ठीक है, और इसे आप कुछ इस तरीके से यूज़ करोगे अपने फेस पर। यू कैन सी मुझे सेम कवरेज मिली है बोथ द आईज़ में। दैट्स व्हाई मैं आपको यही कह रही हूँ बार बार कि आप हमेशा एक
जो पानी है इसका मोस्टली आप टॉवल में स्क्वीज आउट कर लीजिए, एक्स्ट्रा वाटर इसमें नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी नहीं। एंड यू कैन सी मुझे कितना ज़्यादा फ्लॉलेस बेस मिला है, ताकि हमारे फेस पे क्रैक्स ना आए, लाइन्स ना आए, हमारी फाउंडेशन जो है वो हमेशा फ्लॉलेस लगे, ज़्यादा देखता टिकी रहे हमारी फाउंडेशन। दैट्स वाई वी यूज़ ब्यूटी ब्लेंडर। यू नो जिनके फेस पे ज़्यादा फाइन लाइन्स हैं, रिंकल्स हैं, स्ट्रेच मार्क्स हैं, स्ट्रेच मार्क्स मीन्स मार्क्स है, कुछ भी है, तो आप हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर का उपयोग करें, ठीक है। अगर बाई चांस अगर आप चाहते हो कि एक अच्छे ब्यूटी ब्लेंडर में आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, गो फॉर दिस। अगर मुझे इसका लिंक मिला तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लेना, अदरवाइज आप लोकल मार्केट से इसे परचेज कर सकते हो। अगर मुझे मिला तो आई विल गिव यू द लिंक। और इसे आपने ऐसे ही यूज़ करना है, अपने फेस पे सिर्फ रगड़ना नहीं है, उससे क्या होगा आपका जो यू नो बेस है वो अच्छा नहीं लगेगा। सो यस गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर। आप मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, मेरे मेकअप लुक्स भी ज़रूर चेकआउट करिएगा, बिकॉज मैंने सभी प्लेलिस्ट आपको क्रिएट कर दिया, वहाँ से जाकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और वीडियो आपको समझ आई है, अच्छी लगी है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा एंड शेयर। एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय। मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करिएगा, मेरा हैंडल है लच मेकअप्स। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ मैं किस तरीके से इसे ब्लेंड कर रही हूँ एंड मुझे कितना फ्लॉलेस बेस मिला है। डू सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।